बताता हूँ उसको कैसे करना। ओके, आज का जो हमारा पेज है, पेज नंबर सफरगम मियाँ फला था। ओके, मौजू है ना, से कहो गोल। ओके, मैं उसे बताऊंगा। रह इल्मो, रह जो है रह इल्मो ये भी है, ये लेकिन हिजाजी में है, लेकिन रह की जगह पे आप लोग जो है बा का यूज कर रहे हैं। अना अना बे इल्मो, अना बे इल्मो, अना बे इल्मो या इल्मो, बे इल्मो इल्मो बताना, उसे बताना। बे इल्मो उसे बताऊंगा, मैं उसे कहूंगा बताऊंगा। इल्म मतलब लिटरली इसका मतलब टीच भी हो सकता है ना। आना बे इल्मो, मैं उसे टीच करूंगा, सिखाऊंगा कोई चीज। ओके, इल्म का इल्म से लफ्ज है इल्म, सिखाना टीच करना। बे इल्मो, आना बे इल्मो, वो उसके मेल के लिए बात कर रहे हैं। आना बे इल्म, हाँ कहेंगे तो फीमेल के लिए बात कर रहे हैं। सो जहां पे रह आ रहा है, रह इल्म या आना बे इल्मो, आप यहाँ पे अना लगा सकते हैं या बेअल्मो कह सकते हैं कि मैं उसे बताऊंगा। बा का यूज कर सकते हैं जहां पे रा का यूज हो रहा है। मैं उसे सिखाऊंगा, अना बेअल्मो ऐसे कह सकते हैं। ओके, या बेअल्मो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई विल टीच हिम। मैं उसे बताने जा रहा हूँ, रह खबरो, रह खबरो या बखबरो, बखबरो बखबरो इंशाल्लाह बखबरो। जिसको बा हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्पोकन में, अगर फुसहा में जाएंगे तो उसमें सा है, सा खबरो, सा खबरो। आई विल यानी मैं उसे बताऊंगा, आई एम गोइंग टू या आई विल टेल हिम, आई एम गोइंग टेल हिम या आई विल टेल हिम। सो फुसहा में सा है या रा है, ये हिजाजी में है लेकिन नजदी डायलेक्ट में है जो ज्यादातर बोला जाता है, कॉमन है दूसरी कंट्री से। बखबरो, अना बखबरो, अना बखबरो या बखबरो, उसे खबर दूंगा बताऊंगा। सो खबर का यहाँ पे जो आ रहा है बताना, इल्म इसका भी बताना, लेकिन इल्म मतलब टीच करना भी हो सकता है। अना बे इल्म तरीक, अना बे इल्म तरीक, अना बे इल्म तरीक यानी मैं उनको तरीका सिखाऊंगा। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं उसे बताऊंगा, अने बखबरो ऐसे कह सकते हैं। मैं उसे कहूंगा मुजक्कर के लिए, रहगुल्लो या बागुल्लो, गुल्लो या आप कह सकते हैं उसकी जगह पे बागुल्लो। आपको दोनों आने चाहिए कि सम टाइम आप रहगुल्लो कह सकते हैं, सम टाइम आप बागुल्लो, दोनों यूज कर सकते हैं। अना रहगुल्लो युसलिक, अना रहगुल्लो युसलिक, मैं उसे कहूंगा तुम्हें घर छोड़ दे। युसलिक यानी पहुंचा दे, वो तुम्हें वो पहुंचा दे, उसकी बात करें। इसका नाम कहीं पे किसी का नहीं आया। ओके, उसे अना रहगुल्लो क्योंकि हुआ है, यहाँ पे हुआ की बात करें कि उसे बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे हमने या का यूज कर रहे हैं। ओके, उसे बताऊंगा गायब के लिए, तो अना अना रहगुल्लो युसलिक, वो आपको छोड़ देगा, पहुंचाना, वसल अराइव होना, पहुंचाना, वसल से जैसे अना वसलत मैं पहुंच चुका, खलास वसल तो मतार मैं जो है एयरपोर्ट पे पहुंच चुका, तो वसल से यूसल वो पहुंचाए कि लिख तुम्हें, वसलिक तुम्हें। ओके, वो तुम्हें पहुंचा दे। अना रह गुल्लो या अना बिगुल्लो हुआ कह सकते हैं लादा, या अना बिगुल्लो खल यूसलिक, खल यू यूसलिक, खल हुआ यूसलिक यानी खल हुआ वो तुम्हें छोड़, वो तुम्हें छोड़ देगा। ओके, यहाँ पे कुछ और भी अल्फाज ऐड करेंगे इंशाल्लाह कल जब हम जुमले बनाएंगे इनके। ये हो चुका है युसलिक। उस औरत से कहूंगा अना रह गुल्हा, अना रह या अना बिगुल्हा, बिगुल्हा मैं उस औरत से कहूंगा, ये मेल कह सकता है फीमेल कोई भी कह सकते हैं, रह गुल्हा या बिगुल्हा, अना बिगुल्हा मैं उसे कहूंगा, मैं उस औरत से कहूंगा। हगुल हा जैसे हमने पीछे पढ़ा है, हा की जगह पे हा कह सकते हैं या इसकी जगह पे बगुल हा, लिटरली ये लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन इसको इकट्ठा करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हा की जगह पे आप बा यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। मैं उसे कहूंगा तुम्हें तनख्वाह भेज दे, अना बिगुल हा फीमेल से कहूंगा, यरसलिक रातब, यरसलिक यरसलिक वो भेजे, वो भेजे तुम्हें रात, तनख्वाह को कहते हैं सैलरी को कहते हैं, आना बेगुल हा यरसलिक रात,
मैं उसे कहूंगा वो तुम्हें तनख्वाह भेज दे। मैं उनसे कहूंगा ज्यादा लोगों को, बगुल हूं, इसी को हम पढ़ते हैं, राह को आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राह गोल हूं या बगुल हूं, इंशाल्लाह बगुल हूं, इंशाल्लाह मैं उनको कहूंगा। ओके मक्का के गिर्दोनवा में जो है हगोल हूँ, ये मक्का हिजाजी है, हे से हिजाज है, जो हे से वहां पे ज्यादातर हा से अल्फाज यूज होते हैं, हगोल हूँ, हगोल हूँ। ओके आई विल टेल देम हगोल हूँ। अना अना अगोल हूँ, ये नज़लुल अगराद, ये नज़लु अल अगराद, अल अगराद कहते हैं सामान को, स्टफ को, आपको पता है ऑलरेडी, जो पुराने हैं, जो न्यू लोग हैं उनको नहीं पता, अगराद यानी सामान होता है। अना बगोल हूँ या अना हगोल हूँ, बगूल होम। ओके ये नज़लू, वो उतारेंगे, नज़ल मतलब उतारना, नज़ल नज़ल यहाँ तक उतारना, ये नज़ल वो उतारे। ओके वो उतारे एक बंदा, ये नज़ल एक बंदा उतारे, वो ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं हम। अना बगूल हो गोल होम, खली हम भी कह सकते हैं, अना बगूल हम खली, ये नज़लुल अग़राद, ये अना बगूल हम, ये नज़लू, ये नज़लू उतारो, वो उतारे अलगराद सामान, मैं उनसे कहूंगा कि सामान नीचे उतारा, ये नज़ल मतलब नीचे उतारना। उसे कहो, मुज़क्कर गूल लो, आपने किसी को कहना है गूल लो, उसे कहो, टेल हिम, गूल लो, गूल लो। उसे कहो मैं नहीं आऊंगा, गुल लो। अब यहाँ पे लिखा मैंने ऐसे, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता, जस्ट ताकि आप लोग उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर सको, आप उसको पढ़ सको सही तरह से, अदायगी उसकी तरह सही तरह से कर सको। गुल लो, गुल लो, उसे कहो अनमाई जी, गुल लो अनमाई जी। ठीक है, उसे कहो मैं नहीं आऊंगा, गुल लो अनमाई जी। उसे कहो मोनस के लिए गुल हा, गुल हा, पढ़ा है आपने, बताया मैंने पीछे भी, गुल हा, उसे कहो गुल हा अना इंदल बाब। आप इसको इकट्ठा भी कह सकते हैं, गुल लाम हटा देते हैं, लाम तो हे साथ लगा देंगे तो गुल हा इकट्ठा लिख सकते हैं, गुल हा इंदल, गुल हा अना इंदल बाब, गुल हा अना इंदल बाब, उसे कहो कि मैं दरवाजे पर हूं। दिस इज द लेक्चर फिनिश्ड। और उसके अलावा अभी मेरे जहन में यहाँ पे आ रहा था, जब मैं लफ्ज कह रहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सो लिखना मुराद, यहाँ पे मेरे जहन में एक चीज आई, आप लोगों ने सबने जितने ग्रुप में हैं या जो लोग सुन रहे हैं, बाकी को मैसेज करूंगा, अपने अपने मोबाइल के अंदर आप अरबी कीबोर्ड जरूर इंस्टॉल करें, उसको ऐड करें, ऑलरेडी होता है मोबाइलों में, तो अरबी कीबोर्ड ऐड करें, और आप जब भी ग्रुप में कोई मैसेज अगर हम बोलते हैं अरबिक में लिखते हैं या कोई भी, उसको जवाब देने की कोशिश करें अरबिक के अंदर, अरबिक में लिखना शुरू करें, ये आपको और ज्यादा सीखने में मदद हासिल होगी अरबिक जुबान। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप कर लेते हैं।